बिसमीम असल डेयर स्टूडेंट्स आज हम ई एन जी फाइव जीरो टू का लेक्चर नंबर थर्टी नाइन डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इस लेक्चर में ये कम्प्लीट कर दूँ अगर ना हो सका तो इन शाला एक लेक्चर और बना लेंगे तो लेसन नंबर थर्टी नाइन है जी फर्स्ट लैंग्वेज इक्विजीशन वन टॉपिक टू ट्वेंटी टू इक्विजिशन एंड स्टेज ऑफ इक्विजीशन इक्विजिशन क्या है उसके स्टेज डिफरेंट क्या है इसके स्टेज जो है ना इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो काइंडली आप इसको ध्यान से पढ़िएगा द स्टेज ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन बाय द चिल्ड्रेन फोकसिंग प्राइमरली ऑन द अनफोल्डिंग ऑफ फ्लेक्सिकल एंड साइंटेक्टिक नॉलेज आर मैंशन एज फॉलोज अब स्टेज कैसे फॉलो बताई हुई वो आप देख लें सबसे फर्स्ट जो पहली स्टेज होती है वो होती है बेबलिंग हो रही है तकरीबन सिक्स से लेके एट मंथ्स तक के ड्यूरेशन की होती है तो इसमें डिस्क्रिप्टिव एज का रिपिटेटिव सी वी पैटर्न्स के okay, आपने जो है ना वो ये दो चीज़ें ज़रूर अच्छे चीज़े जी से याद रखनी कि बैबलिंग की एज क्या है जी छः से लेके आठ माह तक उसके बाद वन वर्ड स्टेज होती है बच्चों की बैटर वन मोरफीम और वन यूनिट और होलो फ्रेस्टिक स्टेज के इसमें कोई एक वर्ड ज़रूर वो बच्चा जो है ना पिक कर लेता है नाइन टू एटीन मंथ्स के नौ से लेके अठारह महीनों तक जब बेबी होगा तो वो जो है ना मतलब कह लो कि उसकी स्टेज वन वर्ड स्टेज कहलाती है इसमें सिंगल ओपन क्लास वर्ड्स आ जाते हैं या वर्ड स्टेम आ जाता है उसके बाद टू वर्ड स्टेज है तो वो एटीन टू ट्वेंटी फोर मंथ्स आ जाती है इससे मिनी सेंटेंस भी हम कह सकते हैं विद सिंपल सिमेंटिक रिलेशन उसके बाद टेलीग्राफिक स्टेज और अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज आ गई है ट्वेंटी फोर से थर्टी मंथ्स तक होती है तो टेलीग्राफिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ लेक्सिकल रादर देन फंक्शनल और ग्रामेटिकल मॉरफीम्स उसके बाद लेटर मल्टी वर्ड स्टेज है तो वो थर्टी प्लस से है, फिर आगे जो है ना इतने मंथ्स के बाद बच्चा जो है ना ग्रामेटिकली फंक्शन करना शुरू कर देता है और अपनी लैंग्वेज पे उसके बाद टॉपिक टू द वन वर्ड स्टेज अब वन वर्ड स्टेज को हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे हॉल ऑफ रेस्टिक भी हम कहेंगे ड्यूरिंग दिस स्टेज सिंगल फॉर्म फंक्शन एज अ फ्रेज और सेंटेंस टू डिस्क्राइब एन अट्रेंस दैट कुड बी एनालाइज्ड एज अ वर्ड अ फ्रेज और अ सेंटेंस के समटाइम बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स को या जितने जो भी लोग उनके पास रहते हैं उनको सुन के उन जैसे हम बोलने की कोशिश करते हैं और उसमें से स्पेशली एक से दो सेंटेंस जैसे होते हैं जो उनको वो पकड़ लेते हैं और वो उसको रिपीट करते रहते हैं बार बार तो होलोफ्रेस्टिक अट्रेंसिस सीम टू बी यूज टू नेम ऑब्जेक्ट्स चीज़ों के नाम लेना इसमें आ जाता है दे मे आल्सो भी प्रोड्यूस्ड इन सरकमस्टेंसिस दैट सजेस्ट द चाइल्ड इज ऑलरेडी एक्सटेंडिंग देयर यूज के स्टूडेंट्स यू, जो है ना अपने आस बच्चे जो हैं अपने आसपास के सरकमस्टेंस से चीज़ों को पिक करना शुरू कर देते हैं एन एम टी बैड में एलिसाइट द नेम ऑफ अ सिस्टर हु नॉर्मली स्लीप्स इन द बैड इवन इन द एबसेंस ऑफ

टू ट्वेंटी सिक्स टॉपिक है हमारा बिटवीन टू एंड टू एंड हाफ ईयर्स ओल्ड चाइल्ड स्टार्ट लार्ज नंबर ऑफ अट्रेंसिस दैट कुड बी क्लासीफाइड एज मल्टीपल वर्ड्स स्पीच द सेलेंट फीचर्स ऑफ़ दिज एट टू बी दंबर ऑफ़ वर्ड्स बट दिएशन इन वर्ड फॉर्म्स दैट बिगिन टू अपीयर दिस इज द स्टेज करेक्टराइज बाई स्टरिंग्स ऑफ वर्ड्स इसमें जो किड होता है वह बहुत ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इसलिए इसको हम मल्टीपल वर्ड स्टेज भी कहते हैं दिस इज द स्टेज करेक्टराइज बाई स्टरिंग वर्ड्स लेक्सिकल मॉर्फीम्स इन फ्रेजिज और

स्पीक कर सकते हैं वाइल दिस टाइप ऑफ टेलीग्राम फॉर्मेट स्पीच इज़ बींग प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शंस बिगिन टू अपीयर डेफिनेटली अगर वो किड है उसको इसके बारे में नहीं पता वो बोल रहा होता है लेकिन ग्रामेटिकल प्रॉब्लम उसमें हो रही होती है क्रिएट द वर्ड फॉर्म्स एंड सिंपल प्रपोजिशंस इन ऑन बाई द एज ऑफ टू एंड अ हाफ द चाइल्ड वोकेबरी इज एक्सपेंडिंग Repeatedly, and the child is initiating more walk or uh, more talk while increasing physical activity includes running and jumping. By three, the vocabulary has go, grown to hundreds of words. kid three years vocabulary hundred words and pronunciation had become closer to the फॉर्म ऑफ एडल्ट लैंग्वेज और वह तकरीबा एडल्ट लैंग्वेज जैसी प्रोनंशिएशन ही बोलना शुरू करना करने की कोशिश करता है एट दिस पॉइंट इट इज़ वर्थ कंसिडर्ड कंसीडरिंग वट काइंड इन्फ्लुंस द एडल्टेव इन द डवेलपमेंट ऑफ द चाइल्ड स्पीच उसके बाद जो लेसन नंबर फोर्टी टू है हिस्ट्रिकल लिंग्विस्टिक्स द फैमिली ट्री टॉपिक टू फोर्टी वन द फैमिली थ्री मॉडल जॉन सेवनटीन एटी सिक्स मेड द फॉलोइंग ऑब्जरवेश अबाउट संस्कृत द एनशन लैंग्वेज ऑफ इंडियन लॉ अ नंबर ऑफ लैंग्वेज फ्राम वेरी डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ मस्ट हैमन इंसेस्टर्स जॉन ने जो है कुछ ऑब्जर्वेशन की संस्कृत के बारे में जो इंडियन लैंग्वेज है तो उसने कहा कि नंबर ऑफ लैंग्वेज फ्राम वेरी डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज मस्ट हैव सम कॉमन इंसेस्टर्स सारी लैंग्वेज जो डिफरेंट्री फिकल एरियाज के हिसाब से हैं उनके कुछ एंसेस्टर्स जो कॉमन हैं द डिस्कवरी ब्रॉड फोर्थ प्रोटो इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज और उसने इसी डिस्कवरी को मतलब कह लो कि प्रोटो इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से जो है न वो बिलोंग किया स्कॉलर सेट आउट टू आइडेंटिफाई द ब्रांचेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ट्री स्कॉलर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इनके ब्रांचेस को ट्रेसिंग द लाइनेज ऑफ मेनी मॉडर्न लैंग्वेज के जो ओल्ड लैंग्वेज है उनसे जो मॉडर्न लैंग्वेज बनी है उनके लाइनेज को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं थर्टी सच लैंग्वेज फैमिलीज़ कंटेनिंग मोर दैन सिक्स थाउजेंड डिफरेंट इंडिविजल लैंग्वेज एक्चुअली सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेल्व लैंग्वेज वर्ग इस्टैब्लिश के सिर्फ थर्टी लैंग्वेज से या थर्टी लैंग्वेज फैमिलीज से ये छः हज़ार

तो टॉपिक है द वेव वेव मॉडल मॉडल क्या है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ट्वेंटी द वेव मॉडल हैज़ हैड हैजल एक्सेप्टेंस एज अ मॉडल फॉर लैंग्वेज ओवरऑल इट हैज रिसेंटली गेंड मोर पॉपुलरिटी अमंग हिस्ट्रिकल लिंग्विस्टिक ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द ट्री मॉडल के ट्री मॉडल के नस्बत इस मॉडल को ज्यादा कह लो पॉपुलरिटी मिली द वेव मॉडल वॉज ओरिजिनली प्रेजेंटिड बाई जॉनसेंस स्मिथ इसको जो है ना जॉनस स्मिथ ने रिप्रेजेंट किया इन दिस डायग्राम, द सर्कल आर टू बी रिकॉर्डिड एज डाक्रॉनिक जो है सर्कलिक्रिक को रिकॉर्ड कर रहे हैं दे इनक्रीज इन डामी ओवर टाइम लाइक द कंसेंट्रिक वेव ऑन अ वाटर सर्फेस ट्रक बाई अ स्टोन जैसे एक वाटर um, सर्फेस पे स्टोन फेंका जाए तो उससे जो वेव बनती है द सर्कल आर स्टेबल डायलैक्टिक्स Characters or buildings of characters that have been innovated and have become more stable over in originally small portion of the continuum for socio political reasons. These circles separate from their small centers of maximum effectively, like waves becoming less effective than dissipating at maximum. टाइम एंड डिस्टेंस फ्राम द सेंटर लैंग्वेज आर टू बी रिगार्डिड एज इम परमानेंट सेट्स ऑफ स्पीच हैबिट्स दैट रिजल्ट फ्राम एंड प्रिवेल इन द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स ओके जी लेक्सन नंबर फोर्टी थ्री है कंपटिशनल लिंग्विस्टिक्स तो सबसे पहले तो इसका इंट्रो uh, बनता है कि वट इज़ कम्पिटिशन लिंग्विस्टिक देयर हैज़ बीन अ ड्रीम ऑफ ह्यूमन साइंस फिक्शन इन रिसेंट ईयर्स दैट कंप्यूटर कुड यूज लैंग्वेज लाइक ह्यूमन कि इंसान का ये जो है ना वो ख्वाब रहा है कि कंप्यूटर भी उस तरह लैंग्वेज समझे जैसे इंसान का ब्रेन समझता है तो एट प्रेजेंट साइंटिस्ट हैव डिवेल्प प्रोग्रेस प्रोग्राम्स दैट कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज बोथ रिटर्न एंड स्पोकन अब इस प्रेजेंट सिचुएशन में साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी को इतने प्रोग्राम्स बना लिए हैं कि ये भी हमन की तरह अंडरस्टैंड कर सकता है स्पोक भी कर सकता है राइट भी कर सकता है वेरीफाइंग डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेटिंग बिटवीन लैंग्वेज इज पॉसिबल Computational linguistics seeks to develop the computational machinery needed for an agent to exhibit various forms of linguistic behavior. Agent means human being and artificial agents such as computer. Uh, computer means artificial agent. Kahenge. Machinery, machinery means computer programs as well as linguistic knowledge that they contain. Computers have no intelligence. Their linguistic capabilities derive from programs that are written for them computational understanding of language also provides insight into thinking and intelligence the connections between these two fields is hardly uh, accidental language involves complex symbol system and computers are very fast mechanical symbol processors कंपिटिशनल लिंग्विस्टिक्स ड्रॉन अपॉन द इन्वॉलमेंट ऑफ लिंग्विस्टिकफिशल इंटेलिजेंस मैथमेटिक्स लॉजिशियंस फिलासफर्स कागोनीटिव सैंटिस्ट कागोनीटिव साइकोलॉजिट साइकोलो साइकोलिंग्विस्टिक अंथ्रोपोलॉजिस्ट न्यूरोसाइंटिस्ट अमंग अदर्स यानी इन सारे फील्ड्स में इंग्लिश को एज अ कंपिटिशनल लैंगवेज यूज किया जा रहा है लेकिन वो मशीन लैंग्वेज यूज हो रही है हुमन नॉलेज इज एक्सप्रेसड इन लैंग्वेज सो कम्पटिशनल लिंग्विस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके जी टॉपिक टू फोर्टी एट मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग है कंपटिशनल मॉर्फोलॉजी डील्स विद द प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड एंड वर्ड्स फॉर्म इन बोथ देयर देआर ग्राफेमिक दैट इज रिटर्न फॉर्म एंड देयर फोनेमिक स्पोकन फॉर्म ग्राफेमिक का मतलब रिटर्न फॉर्म And phonemic spoken form. The task of an automatic morphological analyzer is to take a word in a language and break it down into its stem form along with any affixes that it may have attached to the, that stem in processing a sentence such as Hussein reads well. <coughs> the analysis should be. Hussein as a proper name, reads as a third person singular present form of the verb read reads and well as either an adverb or a singular noun. The morphological analyzers will not be able to identify the syntactic roles of words. The role is the subsequent task of the syntactic parsing programming. Okay, lesson number 44 lexicol lexicography. तो इसमें टू फिफ्टी टू टॉपिक है हमारा डिक्शनरी डेफिनेशन एंड हिस्ट्री तो आप प्रोटोटाइपिकल डिक्शनरी प्रोटोटाइपिकल डिक्शनरी हैज़ अ फॉर्म ऑफ अ स्टैटिक बुक और डायनामिक प्रोडक्ट इसको हम ई डिक्शनरी कहेंगे विद एन इंटर स्ट्रक्चर एंड दैट इस्टेब्लिश लिंक्स बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ई डिक्शनरी एंड इज़ यूजली अल्फाबेटिकली स्ट्रक्चर्ड कि आपको पता है ये डिक्शनरी जो है ना वो यूजुअली अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर से ही होती है अब यूजेस क्या है, हैं एंड यूजर्स क्या हैं डिक्शनरीज के तो डिक्शनरीज आर मोस्ट यूज फॉर रीडिंग टास्क मोस्टली इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अबाउट मीनिंग ऑफ अन नाउन वर्ड्स जिन वर्ड्स का आपको नहीं पता होता उसकी मीनिंग फाइंड करने के लिए लेस फॉर राइटिंग टूल्स स्पेशली फॉर चेकिंग ऑफ Uh, spellings in grammatical um, uh, etymology or phonetic information is only rarely looked up. In case of foreign language, bilingual dictionaries are used more frequently. ओके okay, जी टॉपिक टू फिफ्टी सिक्स है डिवेल्पमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी डिज़ाइंस अब आपको पता है कि आजकल जो आपकी ट्रेडिशनल डिक्शनरीज है वो यूज नहीं होती बहुत कम होती हैं बड़ी बड़ी जो बुक्स हुआ करती थी आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज हैं जो आप अपने सेल फोन्स या लैपटॉप्स में रख सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी इज़ अ डिक्शनरी हुज डाटा एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म एंड कैन बी असस्ड थ्रू द नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज कैन बी फाउंड इन सेवरल फॉर्म्स इसमें आ जाता है जी एज डेडिकेटेड हैंडल हैंडल Devices as apps on smartphones and tablets, computers or computer softwares, or as a function built into an e-reader. Okay, last Hamara lesson here, lesson number 45: latest trends of research in linguistics. This is topic 258: what is linguistic research or research in linguistics? Linguistics is an important field of study which was introduced as a regular discipline in the universities of Europe as later as 1960s with the turn of the present uh, century this branch of knowledge further developed and many specializations were offered it वेरियस ब्रांचिज़ के आपको पता है कि एक ब्रांच में कई स्पेशलाइजेशन जो है ना वो मिलती हैं तो उसके बाद हम बताएंगे जी रिसर्च इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ कीप ऑन इनक्रेजिंग देयर स्टूडेंट्स टू कंडक्ट रिसर्च स्टडीज़ इन द नेगलेक्टिंग एरियाज ऑफ वेरियस डिसप्लेंस के वो एरियाज जिसकी तरफ कोई फोकस नहीं किया जाता फिर उस पर रिसर्च करवाई जाती है और ये डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत uh, कह लो किरूज uh, पे है आजकल इट इज़ ए नीड Time to study the work of universities to evaluate their performance and for determining the existing research trends in various disciplines. ओके okay, जी नेक्स्ट टॉपिक टू फिफ्टी नाइन है रिसर्च ट्रेंड्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है तो इसमें न्यूरोलॉजिट जिस कहेंगे हम इज़ अ स्टडी ऑफ द न्यूरल मैकेनिज्म इन द ह्यूमन ब्रेन दैट कंट्रोल द कंप्रीहेंशन के इंसान के ब्रेन के उस मेकनिज्म uh, को स्टडी करना जिसमें कंप्रीहेंशन प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज आ जाता है एज एन इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक्स ड्रॉ मेथडोलॉजी एंड थ्योरी फॉर फ्रॉम फील्ड सच एज न्यूरो साइंस लिंग्विस्टिक कोगोरेटिव साइंस न्यूरो बायोलॉजी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स न्यूरोसाइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस उसके बाद फोेंसिक लिंग्विस्टिक्स भी सेम इस तरह से ये एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज मैथड्स एंड इनसाइट्स टू द फोरेंसिक्स कॉन्टेक्सट ऑफ लॉ लैंग्वेज है इसको आप पूरा नोट कर लीजिएगा ये नेक्स्ट जो है ना वो रिसर्च प्रोग्रेस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक के इसके रिसर्च के प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँच चुकी है इसको भी आप नोट कर लीजिएगा आई होप आपको इस बुक की तैयारी में जो है बहुत हेल्प मिली होगी इन शॉर्ट लेक्चर से थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर विद अदर्स